एक दिन मेरे फेसबुक पर एक लड़की मैसेज की, उसके बाद हम बात, लड़की अब ऑब्वियसली मैसेज करते तो लड़के लगते हैं बात करने, मैं भी बात करना शुरू कर दिया। लड़की का डीपी चेक किया बहुत अच्छा लगा, प्रोफाइल चेक किया तो लग रहा था बहुत बड़े घर की लड़की है। एक दिन बात किया, 2 दिन बात हुआ, फिर हफ्ते हफ्ते भर बात हुआ, फिर 10 दिन बात चला। तो लड़की बोली चलिए क्यों ना मिलते हैं हम लोग, इतने दिन से बात कर रहे। मैं बोला यार लड़की बुला रही है तो ऑब्वियसली चलते हैं मिलने के लिए। कहते हैं शनि जब सर पे होता है तो क्या होता है, ऐसे ही होता है। हम लोग मिलने का प्लान किए, लड़की बोली मूवी चलते हैं। बोले ठीक है और मज़ा आया, कॉर्नर के सीट पे बैठेंगे हम लोग। लड़की रेडी हो गई मूवी के लिए, हम भी रेडी हो गए। हम लोग प्लान किए GHB चला जाएगा मूवी देखने के लिए। लड़की आई, आई तो आई अपने साथ, अपने 3 दोस्तों को भी लेते आई। अभी लड़की आएगी तो ऑब्वियसली, अब लड़की तो टिकट देगी नहीं हमको, लड़के ही दे देते हैं ऑब्वियसली। अब मैं कैसे कैसे पॉकेट में खर्च, कुछ मेरे पास ऑब्वियसली बचे हुए थे, कुछ दोस्तों से तुरंत मैंने फ़ोन पे करके मंगा लिए। मैंने मूवी का टिकट बुक किया, हम लोग मूवी देखे, मूवी के दौरान कुछ खाया भी, बहुत सारे आइटम उसके बिल भी मैंने ही दिए। बीच में हम लोग मूवी देख के आए, फिर रात हम लोग की फिर बात हुई। लड़की बोली आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, लड़की हमको प्रपोज कर दी। मैंने भी यार आओ देखा ना था, मुझे लगा चलो गर्लफ्रेंड तो हाली मिल नहीं रही है, बेरोजगारी हुई पड़ी है, चलो गर्लफ्रेंड तो मिल गई। बहुत खूबसूरत लड़की, देखने में बहुत अच्छी लग रही थी। हमने भी आई लव यू टू बोल ही दिया। लेकिन हम, मैंने सुबह राशि में पढ़ा था कि आज मेरे सन राशि में दिखा था कि शनि मेरे सर पे चढ़ने वाला है, मैंने भी बोल ही दिया। फिर क्या, फिर हम लोग हफ्ते भर 10 दिन बात किए। तो लड़की एक दिन मैसेज की बाबू मेरे फ़ोन का रिचार्ज ख़त्म हो गया है, मैं थोड़ा सोच रही हूँ जाके रिचार्ज कर लूँ। मैं बोला यार रिचार्ज करने की क्या ज़रूरत, मैं भी रिचार्ज करता हूँ। मैंने उसका तुरंत 3 महीने का रिचार्ज कर दिया, अपनी गर्लफ्रेंड थी तो वो प्रपोज की थी तो करना पड़ता है। फिर लड़की एक दिन बोली कि बाबू चलो एक दिन मिलते हैं, मिलते हैं। मैं हम लोग फिर एक दिन मिलने का प्लान किए रेस्टोरेंट में। लड़की बोली कहीं बाहर नहीं मिलेंगे, वो रेस्टोरेंट में, बहुत बड़ा रेस्टोरेंट था, लंका पे रेस्टोरेंट था वो, कुछ उसका ना कैप्सिकम करके था, मैं कभी गया नहीं था, कैप्सिकम नाम ही नहीं सुना था। लड़की आई अपने साथ, फिर अपने 3-4 दोस्तों को लेते आई। अब उसका भी बिल मुझे लगता पता था कि मुझे ही देना है, फिर पैसे थे नहीं, पापा ने गांव से पैसे भेजे थे फीस इसको कॉलेज की जमा करनी थी। फिर मैं दोस्तों से मंगाया पैसे, हम लोग फिर पिज्ज़ा बर्गर पार्टी हुई, मेरा टोटल बिल 2300-2400 का बन गया। अब देना ही था, क्या कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं थी अंदर की स्टोरी क्या बात थी, मुझे पता नहीं चल रहा था। फिर हम लोगों ने हफ्ते 10 दिन बात की। फिर लड़की फिर एक दिन हमको बोली बाबू सोना मेरे पापा के मोबाइल का रिचार्ज ख़त्म हो गया है, मैं अभी रिचार्ज करवा के आ रही हूँ। मैं बोला यार रिचार्ज करवाना क्या, मैं कर देता हूँ। अब सनी तो सर पे आ ही गया तो पता तो था नहीं, मैं उसके बाप का भी 3 महीने का रिचार्ज कर दिया। फिर 2 दिन 3 दिन बात हुई तो मतलब लड़की ऐसा दिखा रही थी मेरे पिता बहुत बड़े बिजनेसमैन है, मेरे फॉर्चुनर है, कार स्कॉर्पियो सब है। अब ऑब्वियसली अब मानना पड़ता है ना यार, गर्लफ्रेंड बन गई थी तो उनको लगा सच्ची बोल रही होगी। फिर एक दिन क्या हुआ, एक दिन मैसेज की बात हो रही थी फ़ोन पे, तो फ़ोन पे बोलती है बाबू एक्चुअली तुम्हारे पास कुछ पैसे होंगे क्या। मैं बोला बताओ ना कितने चाहिए पैसे। तो बोली बाबू मुझे कुछ ऐसी 20-22 हज़ार रुपये चाहिए, मैं तुमको कल वापस लौटा दूंगी, मेरा ATM काम नहीं कर रहा है। बोले लड़की लौटा देगी देने में क्या है, लेकिन मेरे पास पैसे थे नहीं। पापा ने गांव से 10 हज़ार रुपये फीस भेजे थे जो कॉलेज के फीस जमा करने थे, मैंने 10 हज़ार दोस्तों से उधार लेके 20 हज़ार उसको कैश दे दिया। अब क्या बताऊँ यार, जब से उधार दिया हूँ उसको, उसके बाद लड़की ने ब्लॉक तो कर ही दिए, नंबर भी ब्लॉक कर दिए, उसको स्विच ऑफ भी नंबर आ रहे हैं। अब मैं समझ नहीं आ रहा मैं करूँ तो करूँ क्या यार, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो कर दो, एटलीस्ट उस लड़की के पास पहुँच जाए। क्योंकि यार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार, कॉलेज के फीस जमा करने पैसे मेरे दे दो तो पापा मुझे बहुत मारेंगे यार, रिक्वेस्ट है मेरे पैसे मुझे दे दो यार, जितना शेयर कर सकते हो कर दो, एटलीस्ट उस देख ले कॉलेज के फीस जमा करने, बाप मुझे बहुत मारने वाला है, मुझे मेरे पास पैसे है नहीं, दे दो मेरे पैसे यार, गलती हो गया दोबारा सोशल मीडिया पर लड़की नहीं गर्लफ्रेंड नहीं बनाऊंगा यार, गलती हो गया माफ़ कर दूँ मुझे।